दोस्तों आज के वीडियो में देखेंगे गोली भाई के तरफ से लिए गए पुलिस एक्शन जिसमें पकड़े गए दो माइनर एज के लड़के। साथ में देखेंगे क्या सीजी शटडाउन होने जा रही। जानना चाहते तो पूरे वीडियो में बने रहना होगा। तो सबसे पहले अब लेने के गोल्डी भाई से रिलेटेड आज गोल्डी भाई की तरफ से पुलिस एक्शन लेते दिखे हेटर्स पे जो उनकी फैमिली को एब्यूज कर रहे थे। एक्चुअली में हुआ कुछ ऐसा था, एक माइनर एज का लड़का गोल्डी भाई के फैमिली में जाकर बहुत ही गंदी चीजें बोली, जिसके बाद वो पुलिस अरेस्ट कर लेती उस बंदे को। पूरी एक्सप्लेनेशन आप गोल्डी भाई की तरफ से देख ही सकते हो। कि मैं कल रूटर पे स्ट्रीम कर रहा था, ठीक है, रूटर पे स्ट्रीम करते करते मैं इंस्टाग्राम पे कुछ किसी को मैसेज भेजना था, रिप्लाई करना था। वो भाई साहब का मैसेज था कि मेरे को शर्म आ रही है बोलने, बट ठीक है मैंने अपनी वाइफ को बता दिया तो शी वॉज लाइक ओके विद इट, कि शी वॉज लाइक तू अपना मूड मत खराब कर ऐसे लोगों के लिए। शी वॉज लाइक ही वॉज लाइक यू सेंड योर वाइफ टू मी फॉर 1 आवर, शी इज वेरी प्रिटी, ये बोला है उसने मुझे। चीज वल्गर बोली, वो बोलना नहीं है, वो वल्गर बात बोली, वो मैं बोल नहीं सकता, मतलब इनडायरेक्टली उसने ये बात बोली, उसने इसको बहुत गंदे तरीके से बोला। और एज क्या थी गोल्डी भाई बच्चे की बताइए? 16-15 साल का, 16 का होगा। ठीक है अब आगे बताओ। आगे ये हुआ कि मैंने फिर रोटर की स्ट्रीम बंद कर दी, मिड स्ट्रीम, बहुत लोग थे यहाँ पे, उन्होंने देखा, मैं मिड स्ट्रीम चला गया। मैं सीधा गया पापा के पास, मैंने बोला पापा ये होता आया है, ये अब लिमिट क्रॉस हो रही है, और वो बंदा अपनी पर्सनल आईडी से था। तो पापा ने मुझे बोला देख मैं तो जो मेरे बस में होगा वो कर दूंगा, तू मेरे को, पापा ने एक दो फोन लगाए और फिर उनको ये कॉन्टेक्स्ट मिला कि जहाँ वो जिस थाने का है वो थाना, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन जिस डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट, हाँ। और उसके फादर का नाम और नंबर, तीन चीज़ें मिल जाए या फादर का नाम और डिस्ट्रिक्ट मिल जाए तो ढूंढ लेंगे। मुझे की बात है 8 बजे मैंने ये देखा और 10 बजे तो वो पुलिस वाले उसकी गांड छेद के उसको थाने में बैठा पहुंच गए, ठीक है। और मैं अभी वीडियो भी तुम लोग को दिखाऊंगा, मैंने ब्लड वीडियो मंगा लिया, हाँ। मतलब सीरियस इस हद तक था कि मेरे फादर ने जहां से फोन कराया और करवाया वो फोन पहुंच गया SP एंड AGP ऑफिस गुजरात, क्रिमिनल ऑफेंस ही है, इट वॉज काइंड ऑफ अ रेप थ्रेट, ठीक है, काइंड ऑफ क्या था, ही रेप थ्रेट था, हाँ, मतलब तो उसके बाद 16 साल रेप थ्रेट, 16 साल। और उसके बाद क्या होता है, और वो पुलिस वालों उनका जानकार निकलता है, तो वो उस फिराक में था कि उन बच्चों को प्रोटेक्ट कर ले, क्योंकि बेचारे जॉब करते हैं, बाप शरीफ आदमी होगा, यूजुअली ऐसे गंदी औलादों के बाप मैंने देखा शरीफ ही निकलते हैं 90%, या शरीफ निकलते हैं या वो निकलते हैं जो बेचारे दिन रात खट रहे हैं, लोग तो उनको पता ही नहीं होता कि बेचारे बच्चे हमारे कर क्या रहे। तो अभी फिर वही हुआ कि कल इन्होंने भाई लोगों ने वो बदमाशी तो कर दी, अब भाई फिर हम भी रुकने वाले नहीं थे, क्योंकि तो इनको लग रहा था ये सब चीज़ मजाक हो रही है, मतलब दिस इज ऑल जोक गोइंग ऑन, उन लड़कों को और उनको भी किसी ने भर दिया होगा कि अभी मैं तुम लोग को पहले इसकी वीडियो भी दिखाऊंगा। अब एंड ऑफ द डे क्या होता है कि वो एक पुलिस वाला, वो भी पुलिस में था, वो डिफेंस में पहुंचा, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है, ऑडियो ऑडियो सब, वो बेचारा, और वो कुछ नहीं कर पा रहा, जब मैंने उनके सीनियर, जब मैंने नाम लिया ना कि इनके फोन आ रहे हैं कि आप इनको प्रोटेक्ट मत करो, तो वो समझ गया कि मेरे हाथ से तो बात मतलब बहुत आ गई है, मतलब वो तो ये इस तरह कि मेरी नौकरी ना चली जाए, कि भाई क्रिमिनल को डिफेंड थोड़ी करेगा पुलिस वाला। फिर वही हुई धुलाई पुलाई हुई ढंग से, चाटे मुक्के लात पड़े, बाप तक पुलिस वो पहुंच गया, दूसरे वाला बाप बेचारा माफी मांग रहा हाथ जोड़ के, ठीक है, ये बोल रहा है अभी, और आपके लोग कोई पढ़ेंगे नहीं, आपको कुछ बोलेंगे नहीं काम कर रहे थे बट पब्लिश करने में डिले हो रही थी, बट वही अमन की तरफ से BGMI के न्यू वाव मोड देखने को मिली है, उसने कर दिए कि वाव मोड लाइव नाउ, जिसमें कार ट्रेसिंग वाली वाव मोड देखने को मिली, जिसमें प्लेयर कार के स्प्रे की प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ स्काउट को जाके ये चीजें होने लगे, जिसपे स्काउट की तरफ से कुछ ये देखने को मिली है। भाई मुझे एक बात बताओ, जितने लोग कार ट्रेसिंग कर रहे हैं, ठीक है चलो मान लिया कि मैंने बना लिया 20 पॉइंट का कार ट्रेसिंग, एक बंदा ट्रेसिंग कर रहा है, एक बंदा गाड़ी चला रहा है, सच बताना दिल पे हाथ रख के गाड़ी कौन कौन चलाने वाला है? मैं लिख के दे सकता हूँ, हम लोग ई-स्पोर्ट्स में जो बनाते हैं ना, रूम बना के प्रैक्टिस करते हैं, हम भी नहीं गाड़ी चलाएंगे यार, तुम लोगों को तो मैचिंग नहीं मिलने वाली है, एक बंदा खाली गाड़ी को गोली मार रहा होगा, तो भाई थोड़ा जुगाड़ मार रहे हैं कार ट्रेसिंग में, बॉट्स लगा के कैसे करना है क्या करना है, थोड़ा समझ रहे हो, थोड़ा दिमाग ज़्यादा लग रहा है उधर, हो जानते हो रेडी चीज़ें, मे बी एक वीक लग जाए परफेक्ट कार ट्रेसिंग, तो फालतू का मेरे को बनाने के लिए नहीं बनाना है, आप लोग को जेन्युइनली जो हेल्प। आगे इस पे सोलोमन की तरफ से रिएक्शन देखने को मिली, कार ट्रेसिंग मैप कैसा है, आई वांट तुम सबको ओपिनियन ना किसी और का। नेक्स्ट ये भी लिखे, इट सीम्स लाइक गेमिंग कम्युनिटी में किसी पर डिफेंड करना काफी ज्यादा इजी हो गया है, अब अपने काम में फोकस करो, मैं अपने काम में करता हूँ, आई डिड नॉट आस्क किसी का ओपिनियन, मैं हमेशा ही लोगों के क्रिएशन को अप्रिशिएट करता हूँ, बट लोगों को उल्टा ही बोलना है।
इसके बाद काफी लोगों को लगने लगा अमन इन स्काउट के पीछे कुछ मैटर हो गया है, जिसको क्लियर करते अमन ये भी लिखते हैं, भाई दब ये सब कुछ चैट में आकर बच रहे उनके लिए है, नथिंग रिलेटेड टू एनी क्रिएटर्स। नेट इससे रिलेटेड कोटे भाई को लाइव पर जाके बोनी लेते सोल अमन एंड स्काउट के बीच का मैटर, जिसको क्लियर करते हैं कोटे भाई ने, क्या आप देख सकते हो रिगार्डिंग जो कल हुआ ब्रॉडकास्ट में उसको लेके, ठीक है मेरे ब्रॉडकास्ट में लेके, तो वहाँ पे भी मेरी क्लैरिफिकेशन हुई। पहली बात तो अमन को ये पता ही नहीं था कि स्काउट ने कुछ ब्रॉडकास्ट में डाला, तो हुआ क्या, ये वही मिडिल ग्राउंड वाले कुछ बच्चे और फिर कुछ ऐसे भी होंगे जो जानबूझ के हिट फैलाने गए होंगे, वो चले गए अमन की चैट में हिट देने, अमन ने उनको भर दिया चैट में ब्रॉडकास्ट में अपने, वो अब एज्यूम करने लगे कि अमन ने स्काउट के लिखा। अमन बोल रहा है गोडी भाई मुझे पता ही नहीं था, खुद ही आगे से मैसेज आया गोडी भाई मुझे स्काउट का तो कुछ पता भी नहीं था, उसने क्या बोला क्या नहीं, अचानक से लोग स्काउट पे बात डालने लगे, तो मैंने कहा तू क्लियर करते हैं, तो मेरी स्काउट से बात करती ना, स्काउट को कुछ पता ना अमन को कुछ पता। अमन ने फिर बाद में लिख भी दिया दिस इज नॉट रिलेटेड टू एनी क्रिएटर एंड माय फ्रेंड और एनी फ्रेंड, तो ऑब्वियसली स्काउट उसका फ्रेंड भी है, फेलो क्रिएटर भी है, चैट को चाहिए लड़े मुक्का धक्का। नेक्स्ट आगे बात करें तो ओमेगा से रिलेटेड सो लेट्स ग्रो की तरफ से हमें सीजी शटडाउन की न्यूज देखने को मिली, जिसमें ओमेगा रिएक्ट करते नजर आए, साथ ही वो न्यू और के रिलेटेड भी बात करते दिखे। लेट्स ग्रो पोस्ट देखी उधर क्या है, रिएक्ट कर देते हैं एक बार हम भैया, हां लेट्स ग्रो ही वो डाल दिया। सोर्सेस कार्निवल गेमिंग ने शट डाउन सून द प्लेयर्स हैव लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन। कार्निवल गेमिंग में शट डाउन, अबे भाई तू हंस क्यों रहा है भाई, ऐसा किसी के डाउन फोर पे भाई, मैंने तो पहले बोला था 6 महीने भी नहीं है ऐसा। ओए कंट्रोवर्सी मेंशिप है गाइस, मैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उम्मीदा के जाने से तो फायदा हुआ है, बच 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 जल्दी बच भी जाएंगे। कंट्रो ना करो अपने, कंट्रो मत करो, बस असॉल्टर वाली बात क्लियर कर दो, ये कौन सी बात है भाई, कौन सी बात, डब्ल्यू अभी लिख रहे हैं लोग यार, तो बजा दे क्या, बजा दे बजाते क्या, ओल्ड करवा रहा है वो बंदा, कुछ कह रहा था क्या, सोल्टर वाली बात क्लियर करनी है। अबे आप काउंटर नहीं करेंगे भाई, मैंने जो बोला है वो पूरा 100% सही बोला है, जो मैंने बोला वो देख लो। ऑर्ग बिफोर घूमेगा भाई, मेरे पास पिछले एक महीने डेढ़ महीने से ऑर्ग है, टेंशन मत लो। ओ नहीं कर रहे स्ट्रीम ना दिखा रहे गाइस, क्या नाम, ऑर्ग का नाम बताना चाहेंगे मिस्टर ओमेगा अभी नहीं, नाम दर्शक मैं बता दूंगा ओमेगा भाई, ऐसे 12 एज सीसी आ जाओ इन फ्यूचर में भी, देखते हैं भाई लेट्स गो, कंटेंट क्रिएटर बन जाऊंगा तभी, अभी तो यार जान है समझ रहे हो। आगे वीडियो में बात करेंगे गोविनास पावर से रिलेटेड, सो गोविनास पावर गोला के परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा इंप्रेस नजर आया, आप देख सकते हो गोटल 4 मैचेस 74 पॉइंट्स, ओ क्रेजी भाई गोविन बाप, आइडियल चेंज मत कर, आइडियल आइडियल मैं समझ गया भाई तू। तो आज के लिए बस में बस इतनी न्यूज थी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो गाइस, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसी लेटेस्ट न्यूज में आप तक पहुंचा सको, तब तक के लिए बाय बाय।